हेलो गाइस, स्वागत है किम शो। उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें सगड़े सारू करो छो। आज सुनो से थोड़ा सीरियस वाली बात कर। मेरे ऐसा बंदा कभी सीरियस नहीं होता है कोई भी चीज़ में, इसके लिए हर चीज़ में फेल होता हूँ। तो मैंने वीडियो का शुरुआत में हमेशा किम शो बख्शुदी ये वो करता हूँ, फिर IPL का मैच ये वो कर। आज का वीडियो का स्टार्टिंग मैं करूँ एक कमेंट से जो मेरे वीडियो पे आया था। तो उनका नाम कुछ कृष कुमार कुछ था, उसने लिखा था कि मैं जब भी आपका वीडियो देखता हूँ मेरे को मोटिवेशन जैसा फील होता है एंड बहुत अच्छा लगता है जब भी आपका वीडियो देखता हूँ। तो आपके क्या आपके हेयर भी अच्छे हैं, लव यू भाई, सबसे पहले लव यू टू। एंड स्वेयर जब मैंने ये कमेंट देखा था ना, मेरे को वो वाला दिन याद आया जब मैंने सोचा था कि मैं भी जब यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँगा और मेरे को भी कोई ऐसा लिखे यार। ऐसा नहीं कि मेरे कुछ ज़्यादा अचीव कर लिया यहाँ पर, बट जो मेरा पर्पज़ है वो धीरे धीरे मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि थोड़ा बहुत तो हो रहा है। लाइक मेरा मेन मोटो यही था जब मैं वीडियोस बनाऊँ कि कोई भी मेरा वीडियो देखे तो आके बोले भाई जो मज़ा आया देख के, हंसने ऐसा लगा, ऐसा ये नहीं कि सीरियसनेस वाला मेरे को कभी वीडियोस बनाने में मज़ा नहीं आता था, क्योंकि मैं वैसा हूँ भी नहीं, मैं कभी सीरियस नहीं होता। तो जब ये मैंने कमेंट देखा ना, आई स्वेयर मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बैठा था ऐसे शांति से ऐसा सोच रहा था कि ऐसा सच में होगा कि क्या है, कोई दोस्त लिख रहा है क्या है ये, ऐसा वैसा मैं सोच रहा था। बट फिर मैं बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा, कोई तो होता है यार। ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियोस कहीं भी नहीं पहुँचे होंगे, ऐसे तो मेरा शेयर का रीच बहुत डाउन पड़ा है, बट ये कमेंट देखे इतना सुकून जैसा लगा एंड मेरे को ऐसा लगा कि नहीं और वीडियोस रोज़ बना, अब तो रुकना ही मत, अब कुछ भी हो जाए फालतू से फालतू वीडियो भी क्यों ना डाले मैं डाल दूंगा बस, ऐसा तो ऐसा फील हो गया मेरे को। एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आपने वो देखा जिसने कमेंट किया थैंक यू सो मच, इतना अच्छा लगा मेरे को सुन के, जितना अच्छा तुमको लगा होगा लिख के उससे ज़्यादा मेरे को पढ़ के अच्छा लगा था भाई, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। एंड मतलब ऐसा फील हुआ कि नहीं भाई जो मेरा पर्पस है यूट्यूब पे आने का वो लाइक दिख रहा है मेरे को, लाइक क्यों मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। जेन्युइनली बोल रहा हूँ बहुत अच्छा लगा भाई, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। मिल गया हर बार की तरह फिर से फेल, आज तो पहले ही सेट में फेल। एंड मैं आज का रीज़न बता दूँ मैं क्यों फेल हूँ पहले सेट पे, मैं अच्छा रीज़न बिकॉज मैं आज बहुत ही जो इसेंट्रिक होता है, जो इसेंट्रिक नाम का चीज़ होता है वो एकदम कंट्रोल वे में लेके जा रहा था एंड फिर पुश कर रहा था, समझ रहे हो, एकदम स्लो एंड स्टेडी। तो उसकी वजह से वरना हमेशा वैसे स्टार्टिंग के 5-6 रेप शॉर्टकट मारता था एंड एंड के खींचता था, तो उसकी वजह से आज मैंने एकदम स्लो इंसेंट्रिक में गया एंड ऑलमोस्ट लाइक प्रॉपर 10 है, 11th वाला भी आया बट वो मैंने हाफ ऑफ भी किया एंड 12th वाला भी हो जाता था बट इंजरी का चांसेस हो सकता है राइट, तो नहीं किया मैंने। फिर से फेल हो गया, लाइक 9 रेप सूच है मेरे, 5 गिरी भाई, पता नहीं क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, कुछ हान कर दिया मैंने।
गुस्सा आ जाता है यार ऐसा जब भी हो जाए तो। और कितना बताया नौ रेप साई कुछ मेरे से चेस्ट का तो हो गया मेरा। मैं ज़्यादा नहीं करता चेस्ट में लेकिन एक अपने इंक्लाइन पे करता हूँ जिसमें मैं हर बार फेल हो रहा हूँ ऑलमोस्ट सेवेंथ बार है। एंड उसके बाद मैं अपना केबल फ्लाइज या चेस्ट फ्लाइज जो भी बोलते हैं उसको वो करता हूँ। एक दो ही चीज़ में करता हूँ फिलहाल चेस्ट के लिए, बेंच प्रेस भी करूँगा बट अभी नहीं, अभी नहीं, अभी इंक्लाइन और ये दो चीज़ ही कर रहा हूँ। उसके बाद शायद एक स्मिथ मशीन ऐड करूँ, तीन चीज़ हो जाएगा बस काम हो गया। एंड ऑलमोस्ट सब मैं चार से पांच सेट में करता हूँ, फुल फेलियर तक एकदम एंड तक बोलते हैं ना एकदम एंड वाला उतना खींचता हूँ, ट्राई करता हूँ बस। वैसे तुम्हारे भाई ने खुद का गाना लगाया एकदम पीसफुल वाला, एकदम इंस्ट्रूमेंटल बोलता ना, तो ऐसे टाइप के सॉन्ग मैं सुनता हूँ। उसको सॉन्ग बोलते हैं क्या बोलते मुझे नहीं पता बट काम वाइब है ना तो अच्छा लगता है। तुम्हें सुनाई दे रहे कि नहीं पता नहीं बट तुमने देखा था मेरे को बजाते हुए तो वैसे ही टाइप में। फिर उसके रिकमेंडेशन में दूसरे दूसरे बजते जाते हैं तो वो ये सब चल रहा है। एंड क्या ही बोलूँ, आ रही है चलने हिम्मत नहीं है भाई मेरे भी। पसीना दिख रहा है कि नहीं, मेहनत नहीं दिख रही है, मेहनत दिख रहा है कि नहीं ये बताओ। नहीं दिख रहा है, मेहनत नहीं किया है। अभी बजे रात के 2:20 और जिम में मैं आया था 12:10 तक, तो समझो मेरे को अभी जिम में 2 घंटा लगता है। लेकिन ये टाइम मैं अभी से रोज़ क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को खुद के लिए देखना है
मतलब एक महीने बाद फिर से खुद का वीडियो अगर मैं देखा तो फिर कितना बेहतर, मैं क्या कर रहा था कैसे, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं कि मैं देखो मैं रात को जिम जाता हूँ अकेले देखो कैसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे खुद के चेहरा ग्लो होने लग जाता है पता है जैसे मैं जिम के बाहर निकलता हूँ, पर ये दाढ़ी गांड मार के रखी है, छूती ऐसी शक्ल उसके ऊपर ऐसे छूती ऐसी दाढ़ी, गुड कॉम्बो। मैं यार